जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिंपल लिविंग विद शिखा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बेटू को, मैं सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ और बेटू को दूध फीड करा दिया था अच्छे से, और वो कार्टून लगा के उसको थोड़ी देर बैठा दिया था ताकि हम लोग पूजा कर सकें। आप सब लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर है मेरे हस्बैंड, ऊपर छत पर से आप सभी को जय माता दी बोल रहे हैं। छत पर से ना वाइट रोज़ तोड़ कर लेकर आए हैं, तो वो हम लोग आज अर्पित करेंगे अपनी माता रानी को, जो हमारे गमले में हुआ है। बाकी तो हम लोग सब बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से माता रानी की पूजा की तैयारियां और पूजा भी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश मंगोई कानन कुंडल शोभित नासा गे मोती मैया नासा गे मोती कोटे के चंद्र दिवा करे राग प्रसन्न ज्योति जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी चंद मुंड जय माता दी आप सभी को। मैं आ गई हूँ अभी छत पे, शाम हो रही है, अभी 5 बज गए हैं, लेकिन धूप जो है वो पूरी तरह से गई नहीं है, थोड़ी थोड़ी धूप है अभी। सो मैंने सोचा कि मैं छत पे आ जाऊँ थोड़ा सा, और नीचे मेरे हस्बैंड हैं अभी, ऐसा नहीं कि माता रानी को हम ऐसे छोड़ कर आ गए। अब मेरे हस्बैंड हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पौधों को देखने आ गई थी। थोड़ा अच्छा लगता है ना बाहर थोड़ा सा खुली हवा में आके, और थोड़ा पौधों को देख कर ही मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी अपने पौधे, ये देखिए। यहाँ पे ये बेडशीट, ये जो बेडशीट है ना ये मेरी ही है, सूख रही है, सूख चुकी है, ध्यान नहीं था। अब इसको मैं जाते वक्त ले जाऊंगी। और यहाँ भी है, ये गिलोय है, गिलोय की बेल। थोड़ा सा यहाँ पे एक दो चक्कर, एक दो राउंड लगाऊंगी, फिर मुझे बेटर फील होगा। अब मैं नीचे जाऊंगी, फिर मैं चाय वाय बनाऊंगी। अभी क्या है कि आज संडे है तो आज तुलसी भी नहीं तोड़ सकते, अदरवाइज एक दो पत्ती मैं तुलसी की वो डाल देती हूँ तो चाय बहुत अच्छी लगती है। मुझे तुलसी का फ्लेवर बहुत पसंद है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नीचे, इस बेडशीट को मैं उतार लेती हूँ। बहुत ज्यादा ही धूप लग गई है, ज्यादा ही सूख गई है, कल से पड़ी हुई है। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि छत पे हमने बेडशीट डाली है, सारे कपड़े हम लोगों ने फोल्ड करके रख दिए, बट ये जो बेडशीट है ना वो रह गई थी, तो इसको मैंने ले लिया है। अब चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत चाय वाय बना के पीते हैं।
मैं नीचे आ गई थी, उसके बाद मैंने चाय वाय बनाने लगी, तभी हस्बैंड जी ना बेटू को लेके थोड़ा सा बाहर चले गए थे, क्योंकि बेटू ना बहुत परेशान हो रही थी घर पे, तो एक दो चीज़ें भी लेकर आनी थी, थोड़ा इसी बहाने बाहर भी घूम आई। आजकल हम लोग माता रानी को छोड़ के कहीं बाहर जा भी नहीं रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा इसको ना डेली चाहिए कि थोड़ा बहुत एक बार गली से बाहर इसको लेके जाए हम लोग। जय जय माता रानी, पूजा करने आ गई। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गावे भारी। ऐसे करो, अरे फूंक मार रहा है। अच्छा अच्छा ऐसे कर दो, ऐसे करना, अच्छे से करो, मम्मा को तो आता नहीं, आपको आता है ना, करो अच्छे से। ये गाड़ी चल गई, ये करो, बोलो पापा आई लव यू। ठीक है, बोलो पापा आई लव यू, बोलो बेटा मेरे बाल, I love you. बोलो पापा, I love you. अच्छा यहाँ पर सबको जय बोल दो, सबको नमस्ते बोल दो, चिको सबको नमस्ते। जय 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 जय। खाते नहीं है मुँह में लेते बेटा, वो नहीं जानती अभी, उसको तो मुँह में लेना। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पे आज डिनर बनाने के लिए। डिनर में बना रही हूँ मैं सबसे पहले सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें एक चम्मच घी डाला है, जैसे घी मेल्ट हो जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी एक छोटी कटोरी सिंघाड़े का आटा, और उसको मैं यहाँ पे अच्छे से भूनूंगी धीमी धीमी आँच पर, बिल्कुल जैसे कि हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं या बेसन का हलवा बनाते हैं तो उसको भी भूनते हैं, आटे का हलवा बनाते हैं तो उसको भी भूनते हैं, बस वैसे ही इसको भी भून लेना है। जब भुनेगा तो कलर चेंज होगा, खुशबू भी आएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि ये भुन चुका है। तो मैं इसको अभी धीमी धीमी आँच पे अच्छे से भूनूंगी, और भूनने के बाद फिर मैं क्या करूँगी ना, ये जैसे कि इसका आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से भून चुका है, इसमें खुशबू अच्छे से आ रही थी। तो अब मैं यहाँ पे गैस बंद कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। मैंने देखिए गैस बंद कर दी, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक मिनट तक चलाया है, क्योंकि कढ़ाई अच्छे से गर्म थी ना, तो कहीं अगर मैं छोड़ दी तो जल भी सकता था ये आटा। तो मैंने इसको थोड़ी देर चलाती रही और फिर मैंने छोड़ दिया इसको ठंडा होने के लिए, और फिर जैसे ये ठंडा हो गया इसके बाद मैंने इसमें चीनी और पानी मिलाकर इसका घोल बनाया और फिर इसको पकाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई मैंने स्लैब पे रखी हुई है और इसमें मैं डाल दूँगी चीनी, और इसी के साथ मैं यहाँ पे पतला सा घोल बनाऊँगी इसका पानी डाल करके। पहले अगर आप गैस पे चढ़ा करके पानी डालेंगे ना तो ये इसमें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लम्स बनने लग जाते हैं, इसलिए मैं पहले इसको ठंडा करके ही इसमें पानी मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको गैस पर चढ़ाऊँगी, ताकि ये बहुत, क्योंकि बहुत जल्दी पकने लग जाता है इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे इसका एक पतला सा घोल बना लिया है और अब मैं इसमें इसको गैस के ऊपर रख दूँगी, फिर इसको लगातार चलाती रहूँगी और ये पक जाएगा इसी तरीके से, एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया और मैं इसको यहाँ पे चला रही हूँ, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी छोटू सी जो माता रानी है ना मेरे पास छोटी सी, वो मेरे पास ही मेरे को पकड़ के ही खड़ी है, तो वो भी वॉइस ओवर दे रही है। आई एम सॉरी गाइस, पर मैं क्या करूँ, बच्चे के साथ में पॉसिबल नहीं है ना, कि मतलब बच्चा मेरे आसपास ही खेलता है तो उसकी आवाज़ तो आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से गाढ़ा होता जा रहा है। तो मैं अभी इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए एकदम अच्छे से पका लूँगी और हमारा जो हलवा है बहुत जल्दी एकदम क्विकली बनता है, बहुत जल्दी बनता है, बहुत जल्दी बनता है।
तो मैं अभी इसको अच्छे से ऐसे चलाती रहूँगी, और गैस मेरी एकदम धीमी है, धीमी धीमी आंच पे ही मैं इसको पका रही हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको भी मिक्स करती रहूँगी अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से मैं दबा दबा के अच्छे से चला रही, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े, वरना इसमें ना बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं, बहुत थोड़ा ध्यान से इसको हमको चलाना होता है। तो बस अभी हमारा हलवा जो है वो बन करके तैयार है। अभी मैं क्या करूँगी, जैसे बन रहा है ना, तो इसी के ऊपर से मैं 1 चम्मच घी और डाल दूँगी इसमें। इसमें घी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसमें डालते हैं घी तो। और जैसे अब मैंने भुनते टाइम डाला था, और अब मैं जब जैसे वो बन जाएगा तो इसके ऊपर से मैं 1 चम्मच घी और डालूँगी, तो उससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा, और जो हमारा हलवा है ना वो थोड़ा चमकीला सा दिखाई देगा, तो वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है घी। घी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें, ये मेल्ट हो जाएगा। घी मैंने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है इसलिए जमा हुआ है। तो हलवा बन गया है। अभी मैं क्या करूँगी, एक थाली में ना थोड़ा सा घी लगा कर उसके ऊपर मैं हलवा डाल दूंगी, इसे ग्रीस कर दूंगी इसको घी से, और फिर मैं इसके ऊपर सारा हलवा जो है कढ़ाई से निकाल करके डाल दूंगी, और उसको थोड़ा सा फैला करके ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूंगी। जैसे वो ठंडा हो जाएगा, तो जैसे हम लोग बर्फ़ी के पीस नहीं काटते हैं चाकू से छोटे छोटे, वैसे मैं इसके पीस पीस कर लूँगी, और जो कि दिखने में अच्छे लगते हैं और सर्व करने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको सेट करके अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक ये ठंडा होगा, सेट होगा, चलिए तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। तो आज मैंने बनानी थी एक रेसिपी जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, और ये मेरे लिए बन गई है फ्लॉप रेसिपी। जी हाँ, मैंने एक डोसा बनाने की रेसिपी देखी थी, तो मेरा तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने इसमें साबूदाना को लिया है और मिक्सी के जार में उसको अच्छे से पीस के पाउडर बना लिया, और इसको मैं एक बड़े बर्तन में निकालूंगी, और इसी के साथ फिर जब मैं इसको बड़े बर्तन में निकाल लूँगी, इसी जार में जितना मैंने साबूदाना लिया था उतना ही मैं समा के चावल लूँगी, और समा के चावल को भी मैं मिक्सी में एकदम बारीक पीस लूँगी, एकदम बारीक बारीक पाउडर बना लूँगी मैं इसका। तो इसका भी मैं एक बारीक बारीक एकदम बारीक पाउडर बना लूँगी इसका, और उसको भी मैं उसी बर्तन में डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये भी समा के चावल भी बहुत अच्छे से मैंने पीस लिए हैं, और इसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी जार में मैंने यहाँ पे लिए 2 हरी मिर्ची, और इसी के साथ में मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू को, कच्चा आलू है जिसको मैंने कट करके धो करके इसमें डाला है, और इसको भी मैं एक बारीक पेस्ट बनाऊँगी, और उसको भी इसी में ऐड कर दूँगी। तो ऐसे ऐड करके ना इसका एक डोसा तैयार होता है। लेकिन मैंने इसमें एक मिस्टेक की थी, जो मेरा डोसा ना बना नहीं था बिल्कुल भी पलटा नहीं था वो, तो वो मैं गलती भी मैं आपको बता दूंगी। फिर मैंने इसको ठीक कैसे किया है वो भी आप आगे देख लीजिएगा मैंने क्या किया फिर इसका जुगाड़। अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इसी के साथ मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा जीरा, ये देखिए, और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, जो कि हम सेंधा नमक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम ये व्रत का बना रहे हैं। और नमक डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको ना अच्छे से फुलाना होता है थोड़ी देर पहले। तो मैंने क्या किया ना, मैंने सिर्फ 15 मिनट पहले ही ये बैटर बना के रख दिया था, और उसके बाद में इसका मैं डोसा बनाने लगी थी, लेकिन वो नहीं बना। इसको फूलने में टाइम लगता है क्योंकि इसमें चावल का आटा भी होता है, प्लस इसमें साबूदाना का आटा भी होता है, तो वो सब चीज़ें ना थोड़ा टाइम लेती हैं। तो आप कम से कम इसको 2 घंटे के लिए फुलाइए। तो मैंने यहाँ पे 2 घंटे नहीं फुलाया था, ये मेरी गलती हो गई थी, और मैंने इसको मतलब 15 मिनट पहले बना के रख दिया। मुझे लगा बस 15 मिनट में ही फूल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये कोई सूजी नहीं थी, इसमें चावल का आटा और वो और साबूदाना का पाउडर है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने इसका एक पतला सा घोल बना करके इसको रख दिया ताकि ये फूल जाए। और फिर तब तक मैंने क्या किया कि मैं बना लेती हूँ चटनी। तो मैंने यहाँ पर चटनी बनाई है, चटनी के सारी चीज़ें डाल रही थी ना, तब तक मेरा कैमरा बंद था। तो मैंने इसमें मूंगफली के दाने, हरा धनिया, हरी मिर्ची, दही और सेंधा नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस लूँगी, हमारी चटनी जो है बन करके तैयार हो जाएगी। तो अब मैं जा रही हूँ इसके डोसे बनाने। तो देखिए 15 मिनट में ये इतना फूल गया, तो मैंने क्या किया इसमें और बहुत सारा पानी डाल दिया, एकदम इसका एक पतला पतला सा घोल बनाया, क्योंकि मैंने जैसा देखा था इंस्टाग्राम पे मैं वैसे ही बनाने लगी। तो मैं इसका एक पतला सा घोल बना रही थी, लेकिन क्या हुआ कि घोल तो पतला बन गया, और जैसे ही मैंने इसको तवे पर डाला, ये जो है चिपक गया एकदम तवे से, और एकदम बकवास, एकदम अजीब सा चिपचिपा सा बन रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन रहा था, मतलब कि एकदम कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो ठीक हो पाएगा। तभी आप देख सकते हैं तवा अच्छे से गर्म हो गया, मैंने यहाँ पर ये डालना शुरू किया। तो मुझे जब मैं डाल रही थी तो मुझे लग रहा था ये अच्छा बनेगा, क्योंकि जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था बिल्कुल ही वैसे ही फैल रहा था तवे पर।
लेकिन जब मैंने इसको पलटने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि मेरी जो रेसिपी है वो एकदम फ्लॉप रेसिपी है, ये मेरे से नहीं बनी है, गड़बड़ हो चुकी है। तो गड़बड़ तो मुझे पता चल गया कि मैंने क्या की है, इसको और फुलाना चाहिए था, लेकिन अब गड़बड़ तो मैंने आपको बता दी, अब इजी तो हम खा नहीं पाएंगे इसको। लेकिन फिर मैंने इसको सुधार कैसे किया है वो मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैंने इसका क्या सुधार किया, और फिर सुधार करने के बाद ये बहुत अच्छी चीज़ बन करके तैयार होकर आई हमारे सामने, जो कि हमको बहुत टेस्टी लगी। ये देख सकते हैं बिगड़ा हुआ डोसा कैसा है, ये एकदम एकदम थर्ड क्लास, एकदम बकवास, कुछ भी नहीं, मतलब टेस्ट तो हो गई लेकिन ये पका ही नहीं था। तो फिर मैंने इसको हटा दिया, फिर मैंने यहाँ पे कुछ इसमें सुधार किया है इसमें, और फिर मैंने इसको तवे पर डाला, तो आप देख सकते हैं ये परफेक्टली इसमें बन रहा है, और ये बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, अच्छे से ये चीले टाइप चीला बन जाएगा। और ये कैसे बनेगा ये मैं आपको अभी बताती हूँ, और ज़रूरी था ये करना, अदरवाइज मैं लेट हो जाती और फिर मैं माता रानी को भोग में क्या खिलाती और फिर पति देव को मैं खाने में क्या खिलाती, मुझे ये टेंशन थी, बाकी जो मैंने इतना बैटर बनाया वो सब बर्बाद ही हो जाता। लेकिन सुधार करने से सुधर गया है, देखिए यहाँ पे ये अच्छे से पलट जाएगा, और मैंने इसको अच्छे से करारा करारा दोनों तरफ से पलट पलट के सेक लिया है, तो एक तरीके से चीला बन चुका है। गाइस रेसिपी तो फेल हो गई, लेकिन मैंने कुछ इसका जुगाड़ कर लिया है, इसमें मैंने सिंघाड़े का आटा और कुटू का आटा दोनों थोड़ा थोड़ा करके मिला दिया, इसको थिक बना दिया, थोड़ा सा थिक, ताकि मैं इसका चीला टाइप बना लूँ, तो वो तो परफेक्टली बन रहे हैं। हम आपको दिखा सकती हूँ, मैंने यहाँ पर दो बना लिए हैं, बाकी भी बन रहे हैं, तो थैंक गॉड मैंने बचा लिया आज अपने इस रेसिपी को। कुछ बनाना कुछ और चाह रही थी, बन कुछ और रहा है, लेकिन जो भी बन रहा है वो सही बन रहा है, अब बन पा रहा है, और वेन मैं ये सोच रही सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, और अब सब भूखे, मतलब हस्बैंड को भूख भी लगी होगी, भोग भी लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता। चलिए मैं दिखा देती हूँ फटाफट, ये देखिए मैंने ना उसी में ये इस तरीके से इसमें सिंगाड़े का आटा कोटू का आटा दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं, और यहाँ पर देखिए आप तवे पर मेरा ये फैला भी हुआ है एक, और इसमें अभी थोड़ा सा मैं साइड साइड में लगा देती हूँ मूंगफली का ऑयल, ये अच्छे से पक रहा है, और मैंने यहाँ पे ये दो बना के भी रख लिए, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छे यहाँ पे ये बन करके तैयार हो गए, ये देखिए इस तरीके से। तो ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी इजीली, कितने आराम से पलट रहा है, बहुत अच्छे से मैंने इसको बना लिया। तो यहाँ पे अभी हमारी जो थाली वो तैयार हो गई है, चटनी है यहाँ पे, साबूदाना का पापड़ है, और ये चीला है, और सिंघाड़े के आटे का हलवा है। तो ये थाली मैंने तैयार कर ली है, और देखिए सिंघाड़े के आटे का हलवे के मैंने इस तरीके से पीस कट कर लिए हैं, एंड आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, मेरा जुगाड़ भी आपको अच्छा लगा होगा, वैसे जुगाड़ से जो बना था ना वो बहुत अच्छा टेस्टी बन गया था। तो अभी मैं भोग लगा देती हूँ माता नानी का, और फिर हम सब लोग भी खाना खा लेते हैं। तो हम लोगों का डिनर तो हो चुका है, और अब मैं करा रही हूँ बेटू का डिनर, ये है उसका सेरेलेक, रात में वो यही खाएगी, और अभी इसने एक सिंघाड़े का हलवा भी थोड़ा सा खाया है, सिंघाड़े का आटे का जो मैंने बनाया था, और अभी तो खेलेगी, सोएगी 2:30 बजे, तो उसके बाद दूध पिएगी, फिर मेरा भी फीड करेगी, ऐसे करके अब मैं इसका ड्रेस चेंज कर दूँगी, इसको मालिश करके फिर खेलती रहेगी, सो जाएगी। तो अभी मैं इस ब्लॉग का ही एंड कर देती हूँ, और यहाँ पे चल रही बेटू की पोएम्स चल रही है, उसको सुनते सुनते खा रही है। तो मिलेंगे अब आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।